फूड रेगुलेटर FSSAI ने जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में नया नियम बनाया। FSSAI ने ऐसी एंटीबायोटिक्स की लिस्ट जारी की जिनका इस्तेमाल अब नहीं हो पाएगा। साथ ही FSSAI ने GM फूड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए भी नियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। FSSAI के एडवाइजर सुनील बख्शी से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी शिव यादव ने। GM फूड्स जो है उनका ट्रेड और उनकी सेलिंग जो है इंडिया में अलाउड नहीं है। FSSAI इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या कर रहा है ताकि देश में ये इलीगली जो है बेचे ना जा सके। देखिए, हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में GM फूड से रिलेटेड कुछ प्रावधान हैं और उन प्रावधानों को देखते हुए हमारे यहाँ पे रेगुलेशंस GM फूड को रेगुलेट करने के लिए बन रहे हैं। और इन रेगुलेशंस में बेसिकली GM फूड जो भी है, कोई भी खाद्य पदार्थ जो GM इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो, उसकी सेफ्टी असेसमेंट कैसे हो और उसका अप्रूवल प्रोसीजर क्या रहेगा, क्योंकि अथॉरिटी को अप्रूव करना होता है ये, तो अथॉरिटी कैसे उस चीज़ को अप्रूव कर लेगी, वो सारे प्रोसीजर्स दिए जाएंगे। जैसे कि एग हुआ या प्रोसेस्ड मीट हुआ, उसमें एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स का जो प्रेजेंस है कितनी बड़ी चिंता का विषय है FSSAI के लिए और इसको जो है इंश्योर करने के लिए कि पब्लिक हेल्थ के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, FSSAI क्या कर रही है? इस चीज़ का ख्याल रखना कि खाद्य पदार्थों में वो एंटीबायोटिक्स ना आए, इसके लिए FSSAI ने एक नोटिफिकेशन आज ही जारी किया है जिसमें किसी भी तरह के मांस जो हैं, पदार्थ जो हैं और दूध के लिए, उनमें लगभग 100 से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और वेटनरी ड्रग्स के लिमिट्स स्पेसिफाई किए गए हैं। तो और बाकी एंटीबायोटिक्स जो यूज़ कर सकते हैं पशु को बीमारी ठीक करने के लिए, तो उनके लिए भी लिमिट्स स्पेसिफाई किए गए हैं खाद्य पदार्थों में।